सॉरी आप फॉस्फोरस का नेक्स्ट वाला जो ऑक्साइड है कौन से का इज इसका पेंटोक्साइड P4O10, ये इसको P2O5 भी लिखते हैं है ना। बट एक्चुअल एग्जिस्टेंस इसका किस वाले फॉर्म में होता है, दैट इज इन P4O10 फॉर्म। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो हम बोलेंगे वही फॉस्फोरस की रिएक्शन इस बार, बट क्या रहेगा, इट इज ऑक्सीजन इज टू बी एक्सेस में, और यदि एयर है तो हमको एक्सेस में लेना ही पड़ेगी, क्योंकि एयर में तो क्या है दूसरी गैसेस भी होती है ना। तो फॉस्फोरस का रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और इट इज व्हाट दैट एक्सेस ऑफ एयर, तो इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा सिंपली किसका, दैट P4O10 का। समझ आ गई बात ये, है ना। अब P4O10 जो होता है इसका प्योरिफिकेशन जो होता है वो किसे करते हैं, दैट इज बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है ना, P4O10 जो है इसको प्योरीफाई करेंगे हम किसे, दैट इज बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। समझ आ गई बात ये। और इसको जो हम कलेक्ट करते हैं सबलाइन करके, तो हमको क्या मिलता है, जो इसका पाउडर्ड मास मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल फ्लावर्स ऑफ फॉस्फोरस। समझ आ गई बात ये, है ना। तो कौन सी चीज है इसका सब्लिमेशन के बाद कलेक्शन जो हम करेंगे कंडेंसेशन करके, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल फ्लावर्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज में भी हम देखें तो हम बोलेंगे प्योर स्टेट में तो क्या रहेगा, सॉलिड तो है बट क्या नहीं होता है इसमें, स्मेल नहीं होती, बट बाई चांस यदि इसमें क्या रहेगा P4O6 की इम्प्योरिटीज होती हैं तो उसमें स्मेल के साथ दैट वॉज गार्लिक लाइक, तो कौन सी चीज हो जाएगी फिर इसमें, गार्लिक लाइक स्मेल हो जाती है ना। तो प्योर स्टेट में तो क्या रहेगा, ऑर्डरलेस होता है, लेकिन कौन सी वाली चीज रहेगी, तो हम बोलेंगे इम्प्योरिटीज ऑफ P4O6 उसके साथ गार्लिक लाइक स्मेल दिखाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं कि इसका हीटिंग करवाने पर क्या हो जाएगा, इसका सब्लिमेशन हो जाता है ना। ये बोलिए अपन ने इसी को बेस बनाकर क्या किया था, अपन ने इसका प्यूरिफिकेशन, तो हम बोलते हैं इसको गर्म करने पर क्या हो जाता है, इसका सब्लिमेशन हो जाएगा, है ना। इसके बाद वाटर से रिएक्शन जो हम करवाएंगे, तो P4O6 जो होता है सीक्वेंशियली हर स्टेप में क्या क्या करेगा, टू वाटर मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्प्शन पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सी एसिड बनाते चलता है। जैसे P4O10 पर 2H2O, तो सबसे पहले क्या बनता है HPO3, इस पर फिर से 2H2O, तो क्या बन जाएगा H4P2O7, और इस पर फिर से 2H2O, तो फाइनली क्या बन जाता है, दैट H3PO4। समझ आ गई बात ये। तो P4O10 +6H2O फाइनली हमको क्या मिल जाता है, दैट इज 4H3PO4 मिल जाता है ना। और H3PO4 से जब P4O10 बनता है तो भी यही सीक्वेंस होती है। समझ आ गई बात ये, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि P4O10 की क्या होती है, वाटर से एफिनिटी काफी ज्यादा होती है ना। P4O10 जो होगा ये क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे वाटर से इसकी एफिनिटी काफी ज्यादा होती है, इस वजह से ये कैसा काम करता है, एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम करता है। समझा गई बात ये। यहाँ एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे इवन H2SO4 जो खुद एक काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, उसमें से भी वाटर निकाल लेता है। ठीक है, तो इसके वो रिएक्शंस जहां पर ये क्या काम कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा काम कर रहा है, वो हम देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले कौन से, जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या करेगा उसमें से वाटर निकाल कर उसको एनहाइड्रेट में बदल देता है, और खुद डिहाइड्रेटिंग एक्शन जैसा काम जब भी करेगा तो कौन सी चीज करेगा, ये खुद HPO3 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, P4O10 एसिटिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्रेट में बदल रहा है, अमाइड में से वाटर निकाल कर साइनाइड में बदल रहा है उसको, HNO3 में से वाटर निकाल कर N2O5, ये पढ़ा भी था अपन ने N2O5 की प्रिपरेशन में, H2SO4 जो मैंने अभी बोला था इसमें से वाटर निकाल कर क्या बना देगा, दैट SO3। ठीक है, और HClO4 इसमें से वाटर निकाल कर क्या बना देता है, ये Cl2O7। समझ आ गई बात ये। तो दिस इज वॉट इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना, और ये खुद हमेशा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इन HPO3। तो दीज रिएक्शंस आर वेरी सिंपल टू कीप इन माइंड, है ना, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गई बात ये। फिर इसके अलावा क्या हो जाएगा, ये ऑर्गेनिक मेटल लाइक वुड है, पेपर है, शुगर है, इनको भी क्या कर देता है, डिहाइड्रेट आसानी से कर देता है ना। इसके बाद फिर इसको P4O10 को यदि अपन रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस बन जाता है, रेड फॉस्फोरस, साथ में इस कार्बन मोनोऑक्साइड, वो P4O10 क्या है, चलिए एसिडिक ऑक्साइड है, तो ये बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या भी बना लेता है, सॉल्ट भी बना लेता है। समझ आ गई बात ये। तो P4O10 +CaO क्या बन जाएगा, यहाँ पर CA3PO4 होल ट्वाइस बन
बन जाते हैं ना, दैट इज वॉट दैट कैल्शियम फॉस्फेट। समझ आ गई बात ये है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो अपन देखेंगे वो कौन सी है, P4O6 और P4O10, इनके स्ट्रक्चर। तो काफी सिंपल है, इसको याद रखना भी है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम बोलेंगे आपको दो सिक्स मेंबर रिंग्स बनानी है जिसमें फॉस्फोरस फॉस्फोरस या ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड्स का नंबर 0 होता है ना। एक सिक्स मेंबर रिंग आप बेसिकली बना लो नॉर्मल जो अपन बनाते हैं हेक्सागन वैसा वाला, ठीक है। और एक नीचे वाला हेक्सागन नीचे से कनेक्ट करते हो कैसा बन जाएगा, दैट इज वो जो चेयर कॉन्फर्मर पड़ते हैं ना अपन ऑर्गेनिक में, है ना। तो एक सिक्स मेंबर रिंग चेयर कॉन्फर्मर टाइप की बन जाती है ना। तो क्या जैसे फॉस्फोरस को टॉप से चालू करो, फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड बनाना नहीं आपको, तो क्या करना पड़ेगा, तुम बोलेंगे दैट इज ये POP, ये सब इस टाइप से बना लिया हमने, एक रिंग बनाई, उसके बाद दूसरी चेयर फॉर्म में बना ली, यहाँ ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में फॉस्फोरस, और ये फॉस्फोरस और इस फॉस्फोरस के बीच में क्या बना दिया अपन ने, ऑक्सीजन और बना दिया। समझ आ गई बात, ये यहाँ पर क्या है, दो सिक्स मेंबर रिंग्स फ्यूज करवा दी हमने। समझ आ गई बात ये। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह जो बनते हैं, P4O10 के स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सारे फॉस्फोरस के ऊपर या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन और इट इज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, दैट इज एडिशनल। चार फॉस्फोरस थे तो चार ऑक्सीजन बढ़ गए, तो P4O6 उससे क्या बन गया, दैट इज P4O10। समझ आ गई बात ये है ना। अब इसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, कौन से इट इज POP बॉन्ड कितने होते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने, फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड कितने, बाद वाले दोनों को, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 0। समझ आ गई बात ये। और दूसरे लिंकेजेस आप यहाँ पर काउंट कर ही सकते हो, आ रहे समझ में है ना। तो कौन सी वाली चीज हमने बोली, इनके स्ट्रक्चर्स को याद रखना इज एक्सट्रीमली सिंपल है ना। क्या किया हमने यहाँ पर, ऑल्टरनेट फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड, इसकी एक सिक्स मेंबर रिंग बनाई, फिर उसी को हमने फ्यूज करवा दिया किससे, एक चेयर कॉन्फर्मर वाली सिक्स मेंबर रिंग, ठीक है ना। और ये टॉप वाला फॉस्फोरस और बॉटम वाला फॉस्फोरस, इनके बीच में भी हमने एक ऑक्सीजन को जोड़ दिया। आगे समझ में, P4O10 में इन सारे फॉस्फोरस पर क्या जोड़ दिया हमने, एक डबल बॉन्ड हो और इट इज वॉट दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। आगे समझ में अच्छे से,